नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टाइम चेकर पे। जैसे कि आप भली भांति परिचित हैं कि हमारे देश में एक महामारी की स्थिति चल रही है, और इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक राहत कोष का ऐलान किया है। इस राहत कोष में हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार डोनेट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में किस व्यक्ति ने कितना ज़्यादा पैसों का योगदान किया है। इसके लिए आप बने रहें टाइम चक्र पे, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मार्च को एक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष के निर्माण की घोषणा की, जहां लोग हमारे देश में हो रहे महामारी के खिलाफ सरकार की लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं और मदद कर सकते हैं। साथ में प्रधानमंत्री जी ने भारत के हर एक नागरिकों से यह अपील करते हुए कहा कि वे लोग कृपया करके पीएम केयर फंड्स में अपना योगदान दें। भारत का हर एक नागरिक अपने हिसाब से जितना हो सके वह पीएम केयर फंड्स में अपना योगदान दे सकता है। तो चलिए जान लेते हैं अभी तक पीएम केयर फंड्स में कितने लोगों ने कितने कितने रुपये का योगदान दिया है। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, भारतीय रेलवे, फिल्म स्टार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित कई संगठनों और बड़े बड़े हस्तियों ने सरकार को सहायता राशि पीएम केयर फंड्स में देने का वादा किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं रतन टाटा के बारे में, जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति जाने जाते हैं और वे टाटा कंपनी के मालिक भी हैं। इन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स में सहायता राशि प्रदान की है, ताकि भारत सरकार इस महामारी का मुकाबला अच्छी तरीके से कर सके। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट के द्वारा भी 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने लगभग 51 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सितारे भी प्रधानमंत्री सहायता राशि में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटे हैं। अक्षय कुमार को तो आप लोग जानते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 25 करोड़ रुपए का योगदान पीएम रिलीफ फंड में दिया है। इसके साथ साथ गौतम गंभीर ने 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी इस समय 51 लाख रुपए का योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में दी है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर के बारे में, जिनका नाम है भून बम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 10 लाख रुपए के योगदान दिया है। चलिए एक और क्रिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्हें हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिन्होंने लगभग 50 लाख रुपए का योगदान पीएम केयर फंड्स में दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय ने लगभग 151 करोड़ रुपए का योगदान पीएम केयर फंड में दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भारत के इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन मुक्ति कोष में राहत के लिए कुल 21 लाख रुपए देने का फैसला किया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि और किन किन लोगों को पीएम केयर फंड्स में सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।